चक्रवाती तूफान फैनी आज सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे के बीच उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों में दस्तक दे सकता है। ये आज पुरी के दक्षिण भाग चंदबाली और गोपालपुर के बीच उड़ीसा तट पर आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैनी चक्रवात को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। तूफान को लेकर प्रशासन की तैयारियों की पीएम ने समीक्षा की। अधिकारियों ने पीएम मोदी की तूफान को लेकर के एहतियात के तौर पर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। चक्रवाती तूफान फैनी के कारण रेलवे ने 100 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है और 2 ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया है। 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद फैनी सबसे खतरनाक चक्रवात माना जा रहा है, जिसके 3 मई को दोपहर बाद जगन्नाथपुरी से गुजरने की आशंका है। इस दौरान हवा की रफ्तार 175 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहने की उम्मीद है। ONGC ने खतरे को देखते हुए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में रिग पर काम करने वाले 500 कर्मचारियों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। ओडिशा सरकार ने 15 मई तक सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। जो लोग छुट्टी पर हैं, उन्हें अपने अपने हेड ऑफिस में रिपोर्ट करने को कहा गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की राहत टीमों को अहम स्थानों पर तैनात किया गया है, जबकि सेना और वायुसेना की टुकड़ियों को तैयार रखा गया है। तूफान की भयावहता को देखते हुए NDRF आंध्र प्रदेश में 41 टीमों, ओडिशा में 28, पश्चिम बंगाल में 5 टीमों को तैनात कर रहा है। ओडिशा में तूफान के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 11 जिलों में चुनावी आचार संहिता को हटाने की मंजूरी दे दी है, जिससे राहत और बचाव का काम तेजी से किया जा सके। ताज नगरी आगरा में है गर्मी से बुरा हाल। जिले में तापमान पहुंचा 44 के पार। फैनी तूफान का अलर्ट जारी। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ सकती है आंधी और तेज बारिश, मौसम विभाग का पूर्वानुमान। बिजनौर में फोरलेन के किनारे पर लगी आग, हाईवे पर काफी दूर तक फैली आग। थाना शेरकोट इलाके की ये पूरी घटना, हाईवे से गुजर रहे लोगों में मची अफरा तफरी। बिजनौर में फोरलेन के किनारे पर लगी आग, हाईवे पर काफी दूर तक फैली आग। थाना शेरकोट इलाके की ये पूरी घटना, हाईवे से गुजर रहे लोगों में मची अफरा तफरी। रुड़की के सिविल लाइन इलाके में मिठाई की दुकान के किचन में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। आग लगने की वजह से हुआ काफी नुकसान। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिर से भेजा नोटिस। 19 अप्रैल को संभल की रैली के दौरान बाबर वाले बयान को लेकर आयोग ने मुख्यमंत्री से मांगा जवाब। लखनऊ में आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह के लिए चुनाव प्रचार करेंगे अमित शाह। राजनाथ के समर्थन में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी भी शाह के साथ रहेंगे मौजूद। बाराबंकी में मुरादाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी का भाजपा पर प्रहार। मसूद अजहर को बताया भाजपा का पाला पोसा आतंकवादी। गाजियाबाद में ज्वेलर्स की शॉप पर 4 बदमाशों ने बोला धावा। करीब 5 लाख रुपए का सामान लूटकर फरार हो गए लुटेरे। हथियारों के बल पर दुकान मालिक को बंधक बनाकर दिया वारदात को अंजाम। रमजान के दौरान पहले मतदान कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर चुनाव आयोग को फैसला लेने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से रमजान में 7 बजे की जगह 5 बजे वोटिंग शुरू करने पर विचार करने को कहा है। कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, जिसमें कहा गया है गर्मी और लू की वजह से मतदाताओं को दिक्कत होगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि गृह मंत्रालय इस बारे में मिली शिकायत पर जल्द कार्रवाई करे। दायर याचिका में कहा गया है राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया जाए। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की भी अपील की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस बीजेपी दोनों गठबंधन के खिलाफ है। मायावती ने कहा बीजेपी जनता को ठग रही है, साथ ही कहा कांग्रेस और बीजेपी नकली अम्बेडकरवादी हैं। मायावती ने कहा बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन से डरे हुए हैं और दोनों ही पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें। प्रियंका गांधी के बीजेपी के लिए वोट कटवा प्रत्याशी खड़े किए जाने के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि चुनावों में कोई भी पार्टी कमजोर प्रत्याशी खड़ा नहीं करती है। अखिलेश यादव के मुताबिक उन्हें विश्वास नहीं होता कि कांग्रेस ने कहीं भी कमजोर प्रत्याशी को टिकट दिया। अखिलेश ने कहा कि लोग उनके साथ नहीं हैं। पीएम पद के लिए मुलायम सिंह के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि यह बहुत अच्छा होगा कि नेताजी प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करें, लेकिन वो पीएम पद की रेस में नहीं है। फौजी तेज बहादुर अपना नामांकन रद्द होने के बाद अब सपा उम्मीदवार शालिनी के समर्थन में प्रचार करेंगे। शालिनी ने तेज बहादुर को राखी भी बांधी।
तेज बहादुर का नामांकन रद्द होने के बाद एबीपी गंगा से बोली शालिनी यादव, कहा स्ट्रैटेजी के तहत तेज बहादुर को बनाया था गठबंधन उम्मीदवार। शालिनी यादव ने किया दावा, कहा मैं मोदी के खिलाफ हूं मजबूत उम्मीदवार। कहा वाराणसी में गठबंधन मजबूत स्थिति में, शालिनी यादव ने किया दावा उनके पास है पीएम को हराने के तमाम मुद्दे। वाराणसी में तेज बहादुर यादव का भाजपा पर आरोप, कहा मेरे बेटे की हत्या करवाई और पीएम के खिलाफ नामांकन करने के बाद भाजपा की तरफ से मिला था 50 करोड़ रुपए का ऑफर। तेज बहादुर का बयान, कहा हार के डर से पीएम मोदी ने कराया नामांकन रद्द, शालिनी यादव को तेज बहादुर ने दिया समर्थन। भाजपा के बागी नेता उदित राज ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उदित राज ने बीजेपी को बताया दलित विरोधी पार्टी, कहा भाजपा के साथ बहरे गूंगे ही कर सकते हैं काम, मैं गूंगा नहीं था इसलिए पार्टी से हुआ सफाया। सपा नेता आजम खान ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। पत्र में आजम ने रामपुर के डीएम और एसपी पर सवालिया निशान उठाए हैं। आजम ने लिखा, डीएम एसपी ने लोकतंत्र के पर्व का मजाक उड़ाया है, इसलिए दुश्मन अधिकारियों की मौजूदगी में मतगणना नहीं होनी चाहिए, दूसरे अधिकारियों को मतगणना की जिम्मेदारी सौंपी जाए। मां सोनिया गांधी के लिए रायबरेली पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का नया ही अंदाज देखने को मिला। प्रियंका ने रायबरेली में हंसा का पूर्वा गांव में सपेरों के साथ मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका कोबरा को हाथों में लेकर अपने साथ खेलती भी नजर आए। प्रियंका गांधी को अपने बीच देखकर सपेरों में गजब का उत्साह देखने को मिला। प्रियंका गांधी के सामने भाजपा को अपशब्द कहने के मामले में स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि प्रियंका उन बच्चों को अपशब्द बोलने के लिए उकसा रही थी, इससे उनके संस्कार का पता चलता है। कौशाम्बी के बाबागंज विधानसभा के चेवगा गांव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की रैली। गठबंधन उम्मीदवार इंद्रजीत सरोज के लिए मांगे वोट, कहा सरकार बनी तो समाजवादी पेंशन की रकम 500 से बढ़ाकर करेंगे 3000। गोंडा के कैसरगंज में बसपा प्रमुख मायावती ने की जनसभा। गठबंधन उम्मीदवार चंद्रदेव राम यादव के समर्थन में किया प्रचार। सभा में मायावती के भतीजे आनंद और बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी रहे मौजूद। कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर बोला मायावती ने हमला। बांदा से बीजेपी प्रत्याशी आरके सिंह पटेल का अजीबोगरीब बयान हुआ वायरल। वोटरों से अपील में बीजेपी प्रत्याशी ने कहा, अगर आप लोग मुझे नालायक और लुच्चा समझते हैं तो गठबंधन को दे दें वोट। बांदा के जिला अध्यक्ष लवलेश सिंह ने किया बचाव, वीडियो को बताया फर्जी, कहा वीडियो से की गई है छेड़छाड़। बीजेपी प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रचार के दौरान किसान के घर में बनाया खाना। साध्वी का खाना बनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिंदकी तहसील के लोहा गढ़वा गांव में चुनाव प्रचार के दौरान बनाया खाना। कांग्रेस प्रत्याशी आरपीएन सिंह का एक और चुनावी स्टंट, चुनाव प्रचार के दौरान नवयुवकों के साथ खेला वॉलीबॉल। वीडियो हुआ वायरल, इससे पहले की थी लोगों के साथ ऑटो की सवारी। जलेबी बनाकर भी कर चुके हैं प्रचार। गोंडा के कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के पांडे मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी विनय कुमार पांडे के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर ने शिरकत की। इस दौरान राजबब्बर ने लोगों को संबोधित करते हुए गठबंधन पर जमकर तंज कसा, कहा कि गठबंधन के बड़े नेता ने संसद में पीएम मोदी को ही दोबारा भारत का प्रधानमंत्री देने का आशीर्वाद दे दिया। बलिया लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह मस्त के समर्थन में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने शिरकत की। रामविलास पासवान ने मन से सपा बसपा गठबंधन पर चुटकी ली, कहा कि गठबंधन में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है पता ही नहीं है। फतेहपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने आए पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने विपक्षियों पर प्रहार किया। उन्होंने पीएम मोदी को देश का सबसे बड़ा झूठा बताया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा देश जोड़ने का काम किया लेकिन भाजपा ने देश तोड़ने का काम किया। साथ ही कहा कि भाजपा का कोई नेता देश के लिए कुर्बान नहीं हुआ। गोंडा में रैली करने गए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा को करारा जवाब दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी के बारे में इस तरह की बातें करने से मतलब साफ है कि भाजपा नेता मान चुके हैं कि वो बुरी तरह से हार रहे हैं। बुरके पर बैन की मांग को लेकर सीएम बघेल ने जवाब दिया, कहा कि ये बेफजूल की बातें हैं, रहन सहन खान पान पहनावा है, देश की समस्या ये नहीं है, देश की समस्या रोजगार शिक्षा महिलाओं की सुरक्षा का है। गाजीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने भाजपा पर लगाए आरोप, कहा कि आज सेना के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। अफजाल अंसारी ने यहां तक कह डाला कि पुलवामा हमला एक सोची समझी साजिश थी लेकिन उसका ठीकरा अजहर मसूद पर फोड़ा जा रहा है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का बयान, उत्तराखंड में पार्टी पंचायत चुनाव के लिए है तैयार। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भी पार्टी कार्यकर्ता सक्रिय, संगठन चुस्त। कहा, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही पार्टी ने पंचायत चुनाव के लिए कसी कमर। विधायकों के झगड़े पर प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का बयान, कहा झगड़े का हो चुका है अंत, संगठन को बताया सर्वोपरि। कहा मुख्यमंत्री हो या मंत्री, संगठन से ऊपर कोई नहीं, समन्वय बनाने की कोशिशें जारी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की समीक्षा बैठक, सचिवालय में केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की, मासिक लक्ष्य निर्धारित कर हर महीने समीक्षा करने के आला अधिकारियों को दिए निर्देश। मेरठ में इंसानियत हुई शर्मसार, 65 वर्षीय रिटायर्ड LIC अफसर पुलिस गिरफ्त में, मासूम बच्चियों से गलत हरकत करने का आरोप, CCTV से हुआ खुलासा, जागृति विहार सेक्टर 6 की घटना। शामली में मंचले को छात्रा से छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा, छात्रा का बाइक से पीछा कर रहे मंचले को उसकी माँ और चाची ने पकड़ा, चप्पलों से पीटकर सिखाया सबक, पिटाई के बाद मंचला बाइक छोड़कर हुआ फरार, देव गार्डन मैरिज होम के पास की घटना। ग्रेटर नोएडा में एक ट्रक चालक 1.5 करोड़ के मोबाइल लेकर हुआ फरार, ट्रक में 1000 बॉक्स में रखे थे 11000 मोबाइल, ट्रक से गायब है 147 बॉक्स, लावारिस हालत में P3 गोल चक्कर पर मिला ट्रक, ओपो कंपनी से वेयरहाउस के लिए निकला था ट्रक, ट्रांसपोर्टर की शिकायत पर मामला दर्ज। बस्ती से स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता का मामला आया सामने, अस्पताल में हुई गर्भवती महिला की मौत, अंतिम संस्कार से पहले दिखा पेट पर सर्जरी का निशान, मृतक के पेट में नहीं था बच्चा। बस्ती के निजी अस्पताल का मामला, महिला की हालत बिगड़ने पर लखनऊ किया था रेफर, लखनऊ पहुंचने पर महिला को मृत किया घोषित, परिजनों ने लगाया डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। परिजनों की शिकायत पर हरकत में आया प्रशासन, CMO ने अस्पताल को किया सील, जांच के दौरान अस्पताल में कोई भी नहीं था मौजूद। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने एक व्यापारी को निशाना बनाया, बदमाशों ने व्यापारी से घर के बाहर करीब 4 लाख रुपए लूट लिए। लुटेरे अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिस वक्त घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त पीड़ित व्यापारी अपना डेली कलेक्शन का घर वापस लौटा था। मामले में पुलिस अब आसपास में लगे CCTV कैमरे खंगाल रही है ताकि जल्द ही लुटेरों को पकड़ा जाए। राजधानी देहरादून में मानवता हुई शर्मसार, महिला के साथ 2 युवकों ने किया दुष्कर्म, गाँव वालों की मदद से 1 आरोपी गिरफ्तार, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मेरठ के सरस्वती लोक इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने जैसे ही बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाब में फायर किया तो 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। इस दौरान बदमाशों का एक साथी भागने लगा तो पुलिस ने घेराबंदी कर उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए 3 बदमाशों पर मेरठ और आसपास के जिलों में लूट के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इनके पास से 3 मोबाइल और कई तमंचे भी मिले हैं। पूछताछ में पता चला कि ये मोबाइल उन्होंने कल ही लूटे थे। मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया जबकि उसके 2 साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। घायल को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। घायल बदमाश की पहचान रियासत के रूप में हुई है जिस पर 25,000 का इनाम घोषित है, साथ ही दर्जनों मुकदमे भी दर्ज हैं। SP ने बताया कि ये बदमाश एक कार में बैठकर लूट की योजना बना रहे थे। शाहजहांपुर के बंडा थाना क्षेत्र में 7 साल के बच्चे का फांसी पर लटका शव मिला है। कुछ दिन पहले मासूम का अपहरण किया गया था। मुरादाबाद में दबंगों का आतंक, उधार के 900 रुपए मांगने गई महिला को घर में बंद कर पीटा, महिला के हाथ की 2 उंगलियां भी काटी, आरोपी फरार, पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की जांच। मुरादाबाद के काजीपुरा की घटना। बुलंदशहर में बीच बाजार में फायरिंग से दहशत फैल गई, 1 दर्जन हथियारबंद युवकों ने पैथोलॉजी लैब संचालक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। CCTV कैमरे में बदमाश भागते हुए भी कैद हुए। फिलहाल दोनों घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बरेली के नवाबगंज में 4 साल के मासूम की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। रिश्तेदार ने बारात घर से मासूम का अपहरण किया था। बच्चे को छोड़ने की एवज में 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। CCTV के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मेरठ में बेखौफ बदमाशों ने सर्राफा कारोबारी से रंगदारी मांगी। कारोबारी ने जब रंगदारी देने से इनकार किया तो बदमाश ने पीड़ित पर पिस्टल तान दी। कारोबारी के भाई ने बदमाश से भिड़ते हुए पिस्टल छीन ली।
इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीड़ित से तहरीर लेकर कार्रवाई की बात कही है। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली इलाके में शादी समारोह में फायरिंग से हड़कंप मच गया। शादी समारोह में एक युवक को किसी ने गोली मार दी। गोली लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल विजेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि ये हत्या का मामला है। गांव के ऋषिपाल नाम के युवक ने रंजिश के चलते विजेंद्र को गोली मारी है। आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना इलाके में लगन के दौरान हर्ष फायरिंग हो गई। गोली लगने से एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल छात्र की हालत नाजुक बनी हुई है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नोएडा एक्सटेंशन में कुछ दिन पहले हुई एक शख्स की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने ही इस वारदात को अंजाम दिया और गार्ड के साथ साजिश रच पति की गोली मारकर हत्या कर दी। एसएसपी ने बताया कि अमृता की शादी से पहले ही ओमवीर से संबंध थे। आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, 32 बोर और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस ने बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 2 तमंचे भी बरामद किए हैं। 3 बदमाश एक कंपनी के बड़े व्यापारी को लूटने वाले थे। इन बदमाशों के नाम मोहित चौधरी, गौतम शर्मा, अनुज त्यागी हैं। ये 3 ही बागपत जिले के रहने वाले हैं। सीतापुर के थाना रेउसा में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 1 ट्रक अवैध शराब पकड़ा। इसके साथ ही पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। एनआईए ने एक बार फिर अमरोहा में मारा छापा। कुछ दिन पहले अमरोहा के संदिग्ध आतंकी गुफरान को एनआईए ने दिल्ली से किया था गिरफ्तार। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी की निशानदेही पर हो रही है छापेमारी। इससे पहले भी 5 बार एनआईए अमरोहा में मार चुकी है छापा। 5 संदिग्ध आतंकियों को एनआईए ने किया था गिरफ्तार। हरदोई के कछौना कोतवाली क्षेत्र में एक शख्स अनार चोरी होने से परेशान है। उसने प्रशासन से मांग की है कि सीसीटीवी लगाने के लिए उन्हें आर्थिक तौर पर मदद दी जाए। आगरा कैंट स्टेशन पर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन में सैनिक ने गोली मारकर की आत्महत्या। ग्वालियर से दिल्ली की तरफ जा रही थी ट्रेन, प्लेटफॉर्म नंबर 3 की घटना। आंध्र प्रदेश का रहने वाला एयरफोर्स का जवान वी वेंकटेश, जीआरपी और आरपीएफ कर रही है मामले की जांच। आगरा के थाना पिनाहट क्षेत्र में दीवार तोड़ते वक्त हुआ हादसा। अचानक दीवार गिरने से मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत। पिथौरागढ़ मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भठियूडा ग्राम के पास दर्दनाक हादसा। खाई में पलटी अनियंत्रित मारुति कार, कार सवार 2 लोगों की मौके पर हुई मौत, 1 की हालत गंभीर। देर रात शादी के मेहंदी समारोह से लौट रहे थे लोग। पुलिस ने घायलों को सुबह किया रेस्क्यू। सहारनपुर से देहरादून जा रही पैसेंजर ट्रेन में हड़कंप। चलती गाड़ी में एक शख्स ने किया जानलेवा स्टंट। ट्रेन में लाइव स्टंट की तस्वीरें हुई वायरल। लोगों के मना करने के बावजूद भी नहीं माना शख्स। ट्रेन रुकने पर लोगों ने की पिटाई। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में मोबाइल पर बात करते वक्त धमाका हुआ। इस दौरान मोबाइल पर बात कर रहा शख्स घायल हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज करीब 200 मीटर दूर पुलिस चौकी पर सुनाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया। बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट में 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसमें से 1 की हालत नाजुक बताई जा रही है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मसूरी में 300 मीटर गहरी खाई में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने खाई से युवक के शव को निकाला। नाव के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। युवक ने किस वजह से जान दी, इस वजह का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। बलरामपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के पाननकुइया गांव में किशोर ने फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह से युवक परेशान था। लखनऊ के थाना नाका क्षेत्र में मौजूद सिमर मेडिकल स्टोर में भयंकर आग लग गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने जब तक आग पर काबू पाया, तब तक लाखों का माल जलकर खाक हो चुका था। बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। काशीपुर के महेशपुर क्षेत्र में सरसों के तेल से भरे कंटेनर में भयंकर आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। हालांकि ड्राइवर ने कंटेनर से कूदकर अपनी जान बचा ली।
आग इतनी भीषण थी कि आसपास की दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई। एक बाइक भी जलकर राख हो गई। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका है। प्रयागराज के चौक इलाके के कपड़ा मार्केट में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से 3 दुकानें जलकर राख हो गईं। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग से लाखों के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिन दुकानों में आग लगी वो तीनों कपड़े की थी। पिथौरागढ़ में बेकाबू कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसके बाद फायर सर्विस और कोतवाली पुलिस ने खाई से रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला। 108 सेवा से हटाए गए बेरोजगारों ने डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन, भीख मांगकर किया प्रदर्शन। प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, कंपनी बदलने से सैकड़ों कर्मचारियों का छिन गया रोजगार। कांग्रेस ने बेरोजगार कर्मचारियों को दिया समर्थन। देहरादून में 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी रोजगार छीनने के बाद धरने पर बैठे हैं। 108 के कर्मचारियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सीबीएसई बोर्ड ने रिजल्ट जारी कर दिया है। सभी जोन के नतीजे एक साथ जारी किए गए। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं का रिजल्ट cbse.nic.in और cbserizult.nic.in पर जारी किया गया है। 12वीं क्लास में गाजियाबाद की 2 लड़कियों ने टॉप किया है। दोनों टॉपर्स लड़कियों को 500 में से 499 मार्क्स मिले हैं। हंसिका शुक्ला गाजियाबाद के डीपीएस की छात्रा हैं, जबकि करिश्मा अरोड़ा एसबी पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर की छात्रा हैं। दूसरे नंबर पर 3 छात्राएं आई हैं, इसमें ऋषिकेश की गौरंगी चावला, रायबरेली की ऐश्वर्या और हरियाणा के जिंद की भव्या हैं। मेरठ पब्लिक गर्ल्स स्कूल में टॉपर छात्राओं ने स्कूल प्रिंसिपल, टीचरों और अभिभावकों के साथ किया जोरदार डांस। स्कूल की 2 छात्राओं ने हासिल किए हैं 497 अंक। वंशिका भगत और दिव्या समेत स्कूल स्टाफ ने ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस कर मनाया जश्न। अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने जीबी पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान के सहयोग से हिमा ऐप की तैयार, जिसमें कोई भी शख्स आपदा से संबंधित सूचना डाल सकता है। टिहरी डैम के झील का जल स्तर घट गया है, जिससे बोट तक जाने वाले रास्ते पर खतरा बना रहता है। रोजाना बोट से टिहरी झील आर पार करने वाले ग्रामीण अपनी जान खतरे में डालकर बोट तक पहुंचते हैं और कई बार दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। रामनगर वन विभाग के कब्जे में 7 निजी पालतू हाथियों में से लक्ष्मी की हालत बिगड़ी। लक्ष्मी के दोनों पैर में है इन्फेक्शन। 3 बार बैठ चुकी लक्ष्मी को क्रेन के सहारे उठाया जा रहा है। लक्ष्मी को इलाज के लिए मथुरा की संस्था में भेजना चाहता है वन विभाग, अनुमति मिलने का है इंतजार। बद्रीनाथ यात्रा से पहले बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह दीवार के पुश्ते टूट चुके हैं। निर्माण कार्य से पहले लैंडस्लाइड जोन भी तैयार हो चुके हैं, जिन्हें अब तक ठीक नहीं किया गया। मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के फैसले का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया स्वागत। सीएम का बयान, कहा मसूद अजहर पर बैन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की बड़ी कामयाबी। सीएम रावत ने कहा प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों को वैश्विक शक्तियों का मिला साथ। मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के बाद देवरिया में खुशी की लहर। पुलवामा हमले में शहीद की पत्नी ने इसके लिए पीएम मोदी को किया धन्यवाद। अजहर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किए जाने पर लखनऊ में आतिशबाजी की गई। प्रदेश भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के बाद आगरा में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं ने सेंट जॉन्स चौराहे पर आतिशबाजी करने के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाई। भाजपा नेताओं ने कहा कि ये सब पीएम मोदी की वजह से हुआ है, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। साथ ही कहा कि जल्द मसूद अजहर का खात्मा पाक में घुसकर हमारे सैनिक करेंगे।